अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताज शाहिद। अब हम चैप्टर 8 के नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, हाइपरबोला। आइए हम हाइपरबोला को समझते हैं कि हाइपरबोला होता क्या है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पे साइड में एक कोन बनाई गई है ताकि हम आपको ये बात समझा सकें कि हाइपरबोला हमें मिलता कैसे है। देखिए, हमने करा क्या है कि यहाँ पे दो राइट सर्कुलर कोन्स को मिला दिया है एक पॉइंट की मदद से, जो कि क्या है, वर्टेक्स। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये एक्सिस ऑफ कोन है। तो ये डॉटेड लाइन एक्सिस ऑफ कोन है। अगर हम कोन को पैरेलल टू द एक्सिस कट कर दें, ये एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल कट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस साइड से कट करूं ऐसे सीधा, तो ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन है और ये क्या है, ये लाइन पैरेलल है इसके। अगर हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो कट करने पे ऊपर भी एक शेप बनेगा, एक कर्व बनेगा और नीचे भी, सही है। इन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। तो जब भी हम कोन को पैरेलल टू दी एक्सिस कट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में मैथमेटिक्स क्या कहती है, हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। डेफिनेशन कहती है हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट को उठा लें, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को मैंने पी कह दिया। डेफिनेशन कहती है इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस, मिसाल के तौर पे अगर ये F1 है और इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस अगर ये F2 है, तो डेफिनेशन कहती है कि F1 माइनस F2 हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा हमेशा बराबर होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें पता है कि वो बराबर है किसके, 2a के। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, डेफिनेशन तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। एक और बात भी मैं कह सकता हूं कि हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जिसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और इसेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, PF/PL, ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसका। इसी से हमारी हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो ड्राइव होती है। अगर हम आगे चलें तो आपको बात और आसानी से समझ आएगी। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की, सही है, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की बात कर रहा हूं। बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन, ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, सही है। हमने करा क्या है कि इस इन दोनों कर्व्स को हमने क्या करा, एक्सिस से मिला दिया। जिस पॉइंट की मदद से हम इनको एक्सिस से मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं क्या, हम इनको कहते हैं वर्टिसेस। इसी तरीके से हाइपरबोला के अंदर फिक्स्ड पॉइंट लाय करता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक है तो हम उसको कहते हैं फोकस, अगर हमारे पास दो हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकाई। तो हमारे पास हाइपरबोला के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फोकाई। इसी तरीके से ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस है, ये बाइसेक्ट हो रही है इस लाइन की वजह से। मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन क्या कर रही है, एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है सेंटर, सही है। दो फिक्स्ड लाइंस जो कि आउटसाइड दी हाइपरबोला लाय करती हैं, इन दोनों फिक्स्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिसेस कहते हैं इन दोनों फिक्स्ड लाइंस को। बेटा, एक्सिस का वो पोर्शन जो कि वर्टिसेस के दरमियान में लाय करता है, मतलब ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटा, ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एक्सिस को, इस लाइन को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, सही है।
इसी तरीके से हमारे पास ये लेटेस्ट रेक्टम है क्योंकि ये लाइन फोकस से पास कर रही है और कर्व के दो पॉइंट्स को मिला रही है। ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। अगर एक है तो लेटेस्ट रेक्टम, दो है तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये लेटरा रेक्टा कहलाएंगी। तो हमारे पास हाइपरबोला के यही पार्ट्स हैं। एक चीज और आपसे पूछी जाती है, एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब ये जो आपके पास एक्सिस दिख रहा है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजों की एक प्रॉपर पिक्चर आप लोगों के सामने शो कर दी है कि ये सारे के सारे जो है वो हाइपरबोला के पार्ट्स। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला के जो केसेस है ना वो तकरीबन मतलब सारे के सारे सेम ही है, उनमें नाम का फर्क है और इक्वेशन का फर्क है बस। जो एलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस होता है, एलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। यहाँ पे ट्रांसवर एक्सिस होता है 2a। एलिप्स के अंदर माइनर एक्सिस होता है 2b। यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b। एलिप्स के अंदर e जो है लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला के अंदर e ग्रेटर देन 1 होता है। एलिप्स के अंदर a जो है वो ग्रेटर होता है बी सी से, यहाँ पे सी ग्रेटर होता है बी ए बी से। यहाँ ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पे प्लस की साइन आती है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये नहीं है। हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी थी ना, ये केस 2 की इक्वेशन थी। मैं कंपेरिजन केस 1 की इक्वेशन से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने केस 1 की इक्वेशन यहाँ मैंशन कर दी है। तो एलिप्स के अंदर केस 1 की इक्वेशन ये होती है और हाइपरबोला के अंदर केस 1 की इक्वेशन ये होती है। मतलब एलिप्स और हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उनमें सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। यहाँ प्लस की साइन आ रही है तो यहाँ माइनस की साइन आएगी। अच्छा, तो नीचे हमने एक हाइपरबोला की डायग्राम बना दी है और यहाँ पे एक बात शो करी है कि आपके सामने है कि ये वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो छोटा है फोकाई के दरमियान के डिस्टेंस पे। तो आपके सामने है कि जो 2a है वो लेस देन 2c है, मतलब 2c ग्रेटर है 2a से, और 2 से 2 अगर कैंसिल कर देंगे तो c ग्रेटर देन a आएगा। तो हाइपरबोला के अंदर c जो है वो हमेशा a से ग्रेटर होता है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं केस 1 की। केस 1 क्या है, व्हेन द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। हाइपरबोला के एक्सिस को एक्स एक्सिस पर रख दिया है हमने, सही ऐसे रखा है कि जो हाइपरबोला का सेंटर है वो आपके सामने है कि वो ओरिजिन पर है, 0.0 पर है, सही है। जो हमारा वर्टेक्स है ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसी तरीके से जो फोकाई है हमारे पास ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमें ये बात पता है कि ये दोनों जो वर्टिसेस हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है 2a के। मतलब हमारे पास ये जो हाफ डिस्टेंस है ये डिस्टेंस a के बराबर होगा और ये हाफ डिस्टेंस a के बराबर होगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a है। इस पॉइंट की बात करें तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0, इसका x कोऑर्डिनेट a होगा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोकाई की तो हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो फोकस हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमेशा 2c के बराबर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये c होगा और ये डिस्टेंस c होगा, मतलब हाफ डिस्टेंस c और हाफ डिस्टेंस c होगा। ये पॉइंट y एक्सिस पे लाया कर रहा है, x एक्सिस पे लाया कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट x एक्सिस पे लाया कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि बराबर है किसके, c के। यहाँ पर भी आ जाए तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी c है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है ये लाइन लाई कर रही है कहाँ पर, ये लाइन लाई कर रही है एक्स एक्सिस पे। मतलब जो हमारा एक्सिस है हाइपरबोला का वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो
तो हाइपरबोला के एक्सिस की भी वही इक्वेशन होगी जो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसको मैं थोड़ा लाइट कलर से बना लेता हूँ। तो ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो कहाँ रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ रखा हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन भी क्या होगी हमारे पास वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमें कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स चाहिए, तो हमें पता है कि ये जो हाफ लेंथ है ये बराबर है बी के, और ये जो हाफ लेंथ है ये भी बी के बराबर है, मतलब ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ये पॉइंट भी वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है तो इसका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि बी है, और यहाँ पे ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि बी है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस बी हो जाएगा ये डिस्टेंस, सही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टा की, मतलब लेटेस्ट रेक्टम, इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स और इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, हमें पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो हाफ लेंथ बी स्क्वायर बाय ए है, जो एलिप्स के अंदर होती है वही हाइपरबोला के अंदर होती है, बात याद रखनी है आपको। तो ये जो हाफ लेंथ है हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए के बराबर है। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके सामने है, मैं ये मार्कर यहाँ रख रहा हूँ, वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कितना है आपके पास, ये सी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सी है। यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के लिए भी सी है, इस पॉइंट की बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये भी सी है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है, ये भी सी है। तो तमाम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में आ जाएगा सी, सही है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये माइनस सी, ये भी माइनस सी। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बी स्क्वायर बाय, मतलब बाय कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बी स्क्वायर बाय, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बी स्क्वायर बाय, और ये हमारे पास जो है माइनस का बी स्क्वायर बाय होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस बी स्क्वायर बाय ए के बराबर। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट, सॉरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गई और हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस रह गई है। चलिए इसको उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। सही है, अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है, तो लेटेस्ट रेक्टम है, हमें पता है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान का, ये डिस्टेंस बराबर है 2c के, ये हाफ डिस्टेंस c होगा और हाफ डिस्टेंस c होगा। ये लाइन जो है और ये जो लाइन है ये दोनों की दोनों किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है। इसी तरीके से ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन भी होगी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब कॉन्स्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास क्या, डिस्टेंस, मतलब y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस c, मतलब y एक्सिस से मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये भी c है, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो दोनों डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 2a by e होता है, मतलब हाफ डिस्टेंस a by e होगा, हाफ डिस्टेंस a by e होगा, मतलब डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस वही होगा जो एलिप्स के अंदर भी होता है a by e, 2a by e। तो एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर सारी चीजें वो सेम है, जो पॉइंट्स मैंने एलिप्स में लिखवाए थे वो पॉइंट्स हाइपरबोला के लिए भी सेम है, बस कुछ चीजों का फर्क था जो कि मैं पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं वाई एक्सिस के, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट क्या होगा, वाई एक्सिस से इस लाइन तक का डिस्टेंस मतलब ए बाई, और वाई एक्सिस से इस लाइन तक का डिस्टेंस मतलब ए बाई माइनस ए बाई होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये हमारे पास तमाम चीजें आ जाएंगी। अच्छा, तो वही चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मैं एलिप्स के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ, इनफैक्ट मैं पैराबोला के अंदर भी है। केस वन से हम केस थ्री में जा सकते हैं, केस टू से हम केस फोर में जा सकते हैं, वही तरीका है।
एक्स कोऑर्डिनेट में एच ऐड कराना है, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर के ऐड कराना है, इक्वेशन आ रही है तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई आ रहा है तो वाई की जगह वाई माइनस के हमारे पास आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों इन मतलब हाइपरबोला के अंदर मैंने तमाम केसेस डिस्कस इसलिए नहीं करे क्योंकि तमाम केसेस ड्राइव करना जरूरी नहीं है, आपको बस उनके पॉइंट्स याद रखने हैं, डेरिवेशन याद नहीं रखनी। सही है, क्योंकि पॉइंट्स याद होंगे तो आप सवाल कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे चारों केसेस डिस्कस किए हैं। अगर हम केस वन की बात करें तो ट्रांसवर एक्सेस एक्स एक्सेस पे रखा होता है, कॉन्जुगेट एक्सेस वाई एक्सेस पे रखा होता है, सेंटर 0,0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा जीरो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो फोकाए, को वर्टिसेस जो कि कॉन्जुगेट एक्सेस के एंड पॉइंट्स होते हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस बी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरल रेक्टा प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई, इक्वेशन ऑफ एक्सेस वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर एक्सेस वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लेटरल रेक्टा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप अगर आप देखें एलिप्स के केसेस को और हाइपरबोला के केसेस को तो यहाँ से लेके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम चीज़ें सेम होंगी, बस नाम का डिफरेंस आ रहा है, एक जगह ट्रांसफर एक्सेस आ रहा है, एक जगह कॉन्जुगेट एक्सेस। फर्क किस चीज में आ रहा है? फर्क आ रहा है किसमें? इक्वेशन में। अब केस वन से अगर केस टू में जाना है तो आप क्या करें, इन पॉइंट्स को पलट दें, जीरो को जीरो जीरो को पलट देंगे तो ये आ जाएगा, इसको पलट देंगे मतलब जीरो को हम इधर ले आएंगे और ए को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा प्लस माइनस ए। यहाँ पे भी अगर हम जीरो को उधर ले जाएं और सी को उधर ले आएं तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। यहाँ पे हम प्लस माइनस बी को उधर ले आएं और जीरो को उधर ले आएं तो प्लस माइनस बी कॉमा जीरो, इसको भी इंटरचेंज कर देंगे अगर हम तो ये आ जाएगा। जहाँ वाई आ रहा है वहाँ एक्स रख देंगे, जहाँ वाई आ रहा है वहाँ एक्स रख देंगे, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वाई रख देंगे, जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वाई रख देंगे। इसी तरीके इक्वेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर था तो हमने वाई रख दिया वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर था तो हमने यहाँ एक्स रख दिया, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई रख देंगे अगर हमें केस वन से केस टू में जाना हो। अब अगर हमें केस वन से केस थ्री में जाना हो तो हम क्या करेंगे, आइए इस बात को देखते हैं। तो भाई करना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर एच ऐड करा दिया, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर के, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ के, यहाँ पे भी एच आ गया, यहाँ पे भी के, तो ये हो गया एच कॉमा के, ये हो गया एच, इसमें ऐड कराया तो एच प्लस माइनस ए कॉमा के। यहाँ पे सी में एच ऐड करा दिया, जीरो में हमने के ऐड करा दिया तो ये एच प्लस माइनस सी कॉमा के। इस तरीके से जीरो में हमने एच ऐड करा दिया, बी के अंदर हमने के ऐड करा दिया तो ये हो गया हमारे पास एच कॉमा के प्लस माइनस बी, यही होगा। यहाँ पे एच ऐड करा देंगे, यहाँ पे हम के ऐड करा देंगे तो ये आ जाएगा। y है तो y माइनस के, y जहाँ लिखा हुआ है वहाँ y माइनस के आ जाएगा, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x माइनस एच, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस एच, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे x माइनस एच, यहाँ पे x लिखा हुआ था तो यहाँ x माइनस एच आ गया, यहाँ पे y लिखा हुआ था तो y माइनस के आ गया। इसी तरीके से केस टू से हम केस फोर में जाएंगे, आप लोगों को ये तरीका पता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें तो मैंने यहाँ पे केस वन केस टू केस थ्री और केस फोर के ग्राफ बना दिए। केस वन की बात हो तो हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, केस टू की अगर हम बात करें तो केस टू के अंदर जो हाइपरबोला है वो इस तरीके से बनेगा जो आपके सामने है। सही है, इसका जो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है मतलब जो इसका एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो केस थ्री के अंदर मैंने क्या करा है, केस थ्री के अंदर जो डायग्राम बनाई है इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये जो एक्सिस है आपके सामने है कि एक्सिस पैरेलल है इसके, इसके सामने रखा हुआ है मतलब ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और केस फोर के अंदर डायग्राम बना दिए कि जो इसका एक्सिस है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो ग्राफ यहाँ पे बना दिए क्योंकि आप लोगों को ग्राफ पता होने चाहिए इनके। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें और तो अगले मतलब इस चीज़ के अंदर मैंने ये बताया कि हम इक्वेशन को देख के केस कैसे पहचानेंगे। अगर y स्क्वायर नेगेटिव है तो केस वन या केस थ्री होगा, तीन टर्म्स है तो केस वन, पांच टर्म्स है तो केस थ्री। अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो केस टू या केस फोर होगा, तीन टर्म्स है तो केस टू, पांच टर्म्स है तो केस फोर। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 2x² - y² = 5। अब तीन टर्म्स हैं आपके सामने हैं, कौन नेगेटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये केस वन है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है आपके पास y² - x² = 5 तो यहाँ पे अब क्या चीज नेगेटिव है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये केस टू है। तो इस तरीके से हम केस को पहचानेंगे।